एजी ने आज किया मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का शुभारंभ। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का एक और कदम। सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत ने कहा 370 घटने के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन मानसिकता बदलने की जरूरत है। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र को मजबूत बनाने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों के दौरों का सिलसिला जारी। केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने किया गुलमर्ग और रियासी का दौरा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर अब हर शनिवार और रविवार को वाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। आज गांधी जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किया और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के उद्घाटन मौके पर कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर डुग्गर संस्कृति की छटा बिखेरी। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये सुचेतगढ़ के लोगों की पुरानी मांग थी और जिसे आज पूरा कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मानचित्र पर आ गया है और देश के साथ साथ अब विश्व में भी सुचेतगढ़ को पहचान मिलेगी। साथ ही कहा कि बीटिंग द रिट्रीट से जम्मू के पर्यटन उद्योग के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। विजय देश तिरंगा प्यारा, दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे सुचेतगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी कि जिस तरह से बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से सुचेतगढ़ में भी आयोजन है। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जामवाल साहब बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आवे या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आवे आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ चेत लड़ाएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है आने वाले दिनों में वो भी देखेंगे। वहीं सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के शुभारंभ होने पर पूर्व मंत्री और सुचेतगढ़ के पूर्व विधायक श्यामलाल चौधरी ने कहा कि वाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट के लिए सुचेतगढ़ वासियों ने बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार सुचेतगढ़ से विधायक बने थे, उस समय से वो ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीटिंग रिट्रीट के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष समय समय पर आवाज उठाते रहे। उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ वासियों की इस मांग को पूरा करते हुए भाजपा सरकार ने यहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का शुभारंभ किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से यहां जम्मू के पर्यटन उद्योग को नई संजीवनी मिलेगी। वहीं सुचेतगढ़ के लोगों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार भी जताया। बॉर्डर के लोगों का एक सपना था कि सुचेतगढ़ बॉर्डर में टूरिज्म स्पॉट बने और जहां रिट्रीट भी शुरू हो। हम जब 2008 में जहां एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद हमारा एक ही सपना था और हमारे लोगों की ये डिमांड थी कि सुचेतगढ़ बॉर्डर है जो इसमें टूरिज्म स्पॉट बने, और उस समय हमने एक प्रोजेक्ट पास करवाया जिसपे 6 करोड़ की लागत से जहाँ काम हुआ और लोगों का आना जाना जहाँ शुरू हो गया। और उसके बाद दोबारा जब हमारे टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ आए और उस समय हमने इस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए और उस
जब हमारी सरकार बनी और हमारे केंद्र की सरकार में हमारे होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह जी वो जहाँ आए और उनको हमारे लोगों ने हम सब ने मिलकर एक डिमांड रखी थी कि जहाँ जिस तरह बाघा बॉर्डर पर एज ए रिट्रीट होती है उस तरह जहाँ भी हो, उस समय का जो चलता हुआ प्रोजेक्ट आज वो पूरा होने को जा रहा है और आज उसकी सेरेमनी जो है हमारे एलजी साहब जो मनोज कुमार सिन्हा जी शाम 5 बजे आएंगे और उस रिट्रीट को शुरू किया जाएगा। और हम यही सोचते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों तरफ से हो जिस तरह बाघा बॉर्डर में होती है और उसके साथ साथ हमारे जहां सफेदगढ़ के लोगों का टूरिज्म भी बढ़ेगा और जिस तरह की एक सोच थी कि हमारे जम्मू कश्मीर जितना भी टूरिज्म और टूरिस्ट आता है और उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती और आज ये चीज़ जब होगी और लोग जो टूरिस्ट आएगा बाहर से और जहां आकर वो रुकेगा भी और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर से 370 में संशोधन और 35A के हटने के बाद व्यवस्थाएं जरूर बदली हैं, लेकिन अभी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने छोटे स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, विश्व में अमन लाने के लिए राष्ट्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है। बदलती है, अभी 370 हटा उसके बाद मैं आ रहा हूं ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही, तो 370 हटा उन्हें व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। मैंने यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहां संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, वो मन की आस अपनी पूरी हो गई, ये हमने देखा। ऐसी परिस्थिति में मैं यहां हूं और उसका आनंद भी आप लोगों के मन में है ये पता चलता है। परंतु केवल व्यवस्था परिवर्तन से नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था को चलाने वाले तो व्यक्ति रहते हैं, वो समाज से आते हैं और जिस प्रकार का समाज है उस प्रकार के व्यक्ति सर्वत्र आते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता, अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो, लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों के दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने जिला रियासी के अरनास इलाके का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बैठक कर लोगों की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित कर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और इसी दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना किसी भ्रष्टाचार के विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी आई है और लोगों को जमीन स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश की जितनी भी योजनाएं हैं सेंटर के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना हो,
अन्य जितनी है हमारी उज्ज्वला योजना की हो, जो जितनी भी योजना है वो धरातल पर क्या किस स्थिति में है इसकी जानकारी करिए और अपने विभाग के द्वारा जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता करके उनकी भी समीक्षा करिए कि उन्हें कैसा काम मिल रहा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर से यहाँ के लोगों को लाभ हो सकता है, क्योंकि यही जनता को लाभ के लिए आए हैं। हम वादा करने के लिए नहीं आए, जनता की को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिस चीज़ में लाभ होगा वो काम करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और मुखिया के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ना वो भ्रष्टाचार करते हैं और ना करने देते हैं। जो भी कंपनियां किस तरीके से कोई भ्रष्टाचार कर रही होगी, और निश्चित हम इनसे मिलके, चेयरमैन साहब से मिलके वो कागज लेंगे और रेलवे के मंत्री से भी बात करेंगे और उचित फोरम होगा वहाँ इस बात को करेंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर चलाए गए सफाई अभियान में भी भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इसी दौरान खादी एवं ग्राम बोर्ड द्वारा स्थापित हस्तशिल्प स्टॉल का भी दौरा किया। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री ने लोगों से खादी उद्योग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से खादी का सामान खरीदने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश के हजारों हस्तशिल्प से जुड़े लोगों का रोजगार मिलेगा और साथ ही गुलमर्ग के साथ साथ शिक्षा राज्य मंत्री ने पोथा पाथरी का भी दौरा किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर मेरा ये गुलमर्ग में रहना, ये मेरे के लिए बहुत खुशी की बात है और इस दिन के महत्व के लिए हम सारे देश भर में स्वच्छता अभियान और खादी का चीज सबको खरीदने के लिए, खादी और हैंडीक्राफ्ट्स इसके चीज खरीदने के लिए सारे जनता को आह्वान करते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 से शुरू हुआ और आज हम इस कार्यक्रम में यहाँ पर चौराहे पर आए और सबने अपने हाथ लगाया सफाई के। और इसके साथ साथ मैं खुद एक जो खादी उद्योग के जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं उन्होंने द्वारा दिए गए स्टॉल जहाँ पर खादी के चीज मिलते हैं को सभी लोगों को, सब टूरिस्ट को ये आह्वान करते हैं आज ही महात्मा गांधी के जन्मदिन पर वो आए, उनको सब लोग आप आइए और जो खादी के दुकान, हैंडीक्राफ्ट के दुकान वहाँ से कम एक चीज खरीदे क्या, ताकि हमारे जो गरीब जो आर्टिसन है, गरीब जो हैंडलूम्स का आदमी है उनको बहुत हेल्प होगा। आजादी के 75वें अमृत उत्सव और गांधी जयंती में म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा और बीएसएफ की 42वीं बटालियन की ओर से संयुक्त रूप से आरएसपुरा में सफाई अभियान चलाया गया। इसी दौरान कस्बे की सड़कों पर साफ सफाई की गई, वहीं एक जागरूक रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ये रैली कस्बे चौहाला मोड़ से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न हिस्सों से होते हुए बीएसएफ कार्यालय के बाहर संपन्न हुई। रैली में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा रैली में आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी, तमाम वार्डों के सभासदों सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इसी दौरान पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने लोगों से कस्बे को स्वच्छ रखने में योगदान देने की अपील की। जो दिन मना रहे हैं वे अमृत महोत्सव, उसी तरह आज इस तरह म्युनिसिपलिटी आरपुरा में सबके सहयोग से 42 बटालियन के कमांडर, पुलिस डिपार्टमेंट के एसएचओ, उनके बाकी साथी, एजुकेशन से प्रिंसिपल साहब, उनके स्टूडेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
और बाकी भी जितने भी लोग सिविल सोसाइटी भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके सहयोग से म्यूनिसपल्टी आरजपुरा और इन सब ने मिलकर जिस कोऑर्डिनेशन से आज जिस सफाई का व्यवस्था का काम किया है मैं तो कहूँगा सराहने योग्य है। अगर इसी तरह सबकी कोऑर्डिनेशन से काम हो तो लगता है कि वाकई कोई किसी किस्म की कमी ना रहे। आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं उसे आरजपुरा में भी मनाया है। हमारा जो पूरा बाजार है आरजपुरा का इसे साफ और स्वच्छ किया है जिसमें 42 बटालियन आरजपुरा इन्होंने हमारा सहयोग किया है। कमांडेंट साहब है, बाकी सारे इनके जवान हैं। तो मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन और शहर के प्रोमिनेंट लोग इन्होंने मिल के सब ने म्यूनसिपल्टी आरजपुरा का सहयोग किया और मेरे सफाई कर्मचारी, मेरी वार्डों के काउंसलर और प्रोमिनेंट सिटीजन इन्होंने आज महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही दी है कि आरजपुरा टाउन में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया है। तो हम ये आशा भी करते हैं कि आगे भी ऐसे ही हमारे टाउन के अंदर जो टाउन की बेहतरी के लिए, टाउन को अच्छा बनाने के लिए हमें BSF आरजपुरा जो 42 बटालियन उसे सहयोग मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मंडल प्रधान गाज सिंह की अध्यक्षता में सुचेतगढ़ के चक्रोही मंडल में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा इस अभियान में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चौधरी साहब की अध्यक्षता में आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पर हमने सफाई अभियान चलाया जिसमें सफाई अभियान में हमारे स्टेट के अहदेदार, मंडल के अहदेदार और एक्स सरपंच, उसके बाद हमारे गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा जम्मू में पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। गांधी जी को याद करना और आज उनकी जन्मवर्षी पर लाल बहादुर शास्त्री जी को आज के दिन पर याद करना, ये समय की पुकार है कि उनके बताए हुए रास्ता पे चलना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता के नशे में सोई हो सरकार भी अगर जाग जाए उनके बताए हुए रास्ते पर चले। कठुआ में कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता मनोहर लाल शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उधर किश्तवाड़ प्रशासन द्वारा आजादी अमृत महोत्सव के रूप में गांधी जयंती को मनाया गया और इस अवसर पर प्रशासन द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई जो एक महीने तक जारी रहेगा। इस अवसर पर DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा और प्रिंसिपल GDC किश्तवाड़ प्रोफेसर अनिरुद्ध शर्मा एवं अन्य जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर राजौरी में भाजपा द्वारा मेडिकल कॉलेज राजौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। म्यूनिसिपल कमेटी बाड़ी ब्राह्मणा द्वारा गांधी जयंती को आज अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया और इसी दौरान कमेटी ने सफाई सेवकों को सम्मानित किया। महात्मा गांधी जी अमर हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए नर्सिंग ऑर्डरलीज को निकाले जाने के विरोध में पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया।
और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और साथ ही प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन नौकरियां देने की बजाय वो लोगों की नौकरियां छीनकर उन्हें बेरोजगार कर सड़कों पर खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मौजूदा सरकार में जिस तरीके से पढ़े लिखे युवाओं के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है, उसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए नौजवानों को, 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और उसके बाद नौजवानों को अपने हाल पर छोड़ दिया जब उनसे वोट हासिल कर लिया। नौजवानों का पूरा इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान, और अब उन नौजवानों को नौकरी देने के बजाय उनको बाहर निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 7 वर्षों से आप प्रधानमंत्री हैं और 14 करोड़ नौकरी आज तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरी देने के बजाय जो लोग नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना काल में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए नर्सिंग ऑर्डरलीज ने आज भी जीएमसी अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह भी धरना प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग ऑर्डरलीज के समर्थन में वहां पर पहुंचे और नर्सिंग ऑर्डरलीज के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कठुआ पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात को बरामद किया। लखनपुर पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा पकड़े गए चोरों की पहचान महबूब अख्तर पुत्र शमाश दीन और अरशद अहमद पुत्र सुलेमाबी निवासी डोडला बसोली के रूप में की गई है। चोरी हुई थी यहाँ पे कोई 2-2.5 लाख रूपए की, उसमें एक मोबाइल फोन चोरी हुआ था और वो गलती से चोर ने उसमें सिम डाल दी और वो एक्टिवेट हो गया। उसकी टेक्निकल सर्वेलेंस पे हमने कुछ चोर लड़के पकड़े और जब वो कड़ी चलती गई तो उसमें 2-3-4 लड़के पकड़े गए जो बसोली साइड के थे, भूंड शीतल नगर के, और उसमें इन्वेस्टिगेशन में जब आगे बढ़ाई गई तो कठुआ पुलिस स्टेशन, लखनपुर पुलिस स्टेशन में अभी तक 6 से 7 चोरियाँ बरामद हुई हैं। और ये जो पिछले कल में जो चोरी बरामद हुई है सोने की, जिसमें 10 से 11 ग्राम के तोले के सोने के ऑर्नामेंट्स जो रिकवर हुए हैं, वो एक विडो लेडी के लखनपुर जुरिसडिक्शन के गुम हुए थे, वो उन्होंने कन्फेस किया और कल इवनिंग में SHO लखनपुर और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उन्होंने वो रिकवर किए हैं। टोटल रिकवरी उसमें 5-6 लाख की है। मुझे लगता है कि पिछले एक महीने में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ, लखनपुर और आसपास नगरी और हटली की हमने कम से कम भी 8 चोरियाँ जो है वो सॉल्व की है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।